ककोर थाना अंतर्गत सूपी और रिखाड़ी के बीच पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। लोगों ने नेपाली मजदूर के शव होने की आशंका जताई है। ककोर पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ग्राम ककोर में बीते 3 दिन से पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उपभोक्ताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान नवीन कपकोटी सहित अन्य ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव कर पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। इधर जल संस्थान ने बताया कि टंकी को अराजक तत्व ने नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई है। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्य को प्राथमिकता व गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री की 119 घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से 87 घोषणा प्रस्तावों में स्वीकृति प्रदान करते हुए धन आवंटन हुआ है, शेष में कार्य प्रगति पर है। बागेश्वर जिले के मुख्य कृषि अधिकारी SS वर्मा को शासन ने देहरादून निदेशालय अटैच करते हुए नए सहायक निदेशक पद पर तैनाती दी है। यहां बता दें कि जिले के मुख्य कृषि अधिकारी SS वर्मा पर उन्हीं के चालक द्वारा आवास में गोली चलाने की घटना के बाद वो अचानक सुर्खियों में आए थे। इस घटना के बाद कृषि अधिकारी ने जानमाल के खतरे की आशंका जताते हुए थाने में FIR दर्ज की थी। पुलिस अधीक्षक हिमांशु वर्मा के निर्देश पर CO कपूर शिवराज सिंह राणा ने कांडा थाने का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अभिलेख, अपराध रजिस्टर, हथियारों का भी निरीक्षण किया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने अपराधों की रोकथाम तथा बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।